Hey everyone, welcome back to my channel, Liligiri Blog Friend. आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं, जगह जगह सब कुछ है। लेकिन अभी तक जो चल रहा है सुतक सुतक कर लिए, कुछ नहीं, खाना पीना तो होता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, पूजा वगैरह कुछ नहीं होता है ना, इसीलिए जैसे कि कुछ रह गया ऐसे महसूस होता है। तो जो मेरा चैनल को न्यू विजिट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल आइकन को, जो घंटी को बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब जब न्यू वीडियो डालूंगी आप लोग के पास पहुंच जाएगा। आप यदि आप अगर घंटी दबा के ऑल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा तो बने रहिए वीडियो पर। किचन में हूँ, किचन के बाद और क्या होगा पता नहीं, देखती हूँ क्या होगा, नहीं तो मैं रैप पर बने। मैं किचन में हूँ, मैं रैप करूँ, मैं खाना बनाऊंगी। क्या बात है यार, ला 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 ला। प्याज लहसुन तो नहीं होगा, टमाटर और जीरा के साथ बनाऊंगी। बने रही है वीडियो पर। पहले मैं तेल डालने से पहले मैं मिक्सचर खा लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए, ये चावल है, चावल में इसको क्या बोलते हैं, कीड़ा लग गया है, इसको मैं पटक दूंगी, पाँच छोड़ूंगी पटक पटक के। तो कपड़े रह गया, तो कपड़े को भी मैं सुखा दी थी, किचन का काम भी हो रहा था और इधर उधर का होता है, वह मैं गिरने वाली थी। और आपको एक चीज़ आज मैं बताऊंगी, बीच में बताऊंगी, तो ये कपड़े को पहले सुखाए थे और कितना तेज़ धूप है देख लीजिए, बहुत तेज़ धूप है ना। और मैं बागान से इसके बाद क्या करी ना, जब तक सब्जी हो रहा था तब तक मैं बागान से मेरा है साग, लाल साग, मूली साग मिलाकर ही मैं साग बनाने वाली थी। तो ग्रीन भेजी बागान से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, हैंडसम पंप से पानी निकाल कर ही मैं धो रही थी। और कल तो हमारा क्या हुआ ना, करंट सुबह 8 बजे से गया था, रात को 8:30 बजे तक आया, उसके बाद रात में ही चला गया था फिर से करंट, ऐसा कल दिक्कत हो रहा था। और ये देखिए, पानी से मैं ये निकाल रही थी। और धनिया पत्ता भी बागान से मैं लाई थी सब्जी में, जो मैं आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, वो आलू गोभी की सब्जी तो वैसे मैं टमाटर के साथ ही बनाई हूँ, प्याज लहसुन नहीं था, ऐसे ही मैं सिंपल से ही बना लेती हूँ, थोड़ा सेलो फ्राई करके ही बनाई थी। तो ये साग को भी मैं लाई थी। और
और ये देखिए मेरे बागान से मैं पानी देकर ही बना रही थी, ये बचाई थी जब बैंगन की पौधा, ये देखिए बैंगन। देखिए एक बैंगन लेकर आए हैं दो। वैसे तो आजकल बहुत सस्ता हो गया है जो सब्जी, फिर भी दो बैंगन मेरे बागान से मैं लाई हूँ। तो आलू और फूलगोभी की सब्जी भी बन गया, उसके ऊपर धनिया पत्ता मैं दे दी हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं जो साग में लाई थी, जो हमारे सॉरी मूली के पत्ते और लाल साग बैंगन मिलाकर ही मैं बनाई। अच्छा लगता है इसे, हमारे उड़ीसा में इस टाइप के बनाते हैं सारे साग। और इधर मैं चिला बना रही थी खाने के लिए, जो था जो हमारा बैंगन और गोभी की गोभी के साथ ही मैं उसको खाऊंगी। और कपड़े को भी समेट रही थी। और ये एक ब्लाउज देखिए मैं बैक साइड कैसे डिजाइन में बनाई हूँ, अच्छा लग रहा है। तो ये साड़ी को मैं मंगाई थी, ऑनलाइन ही मंगाई थी, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं कहीं देखी थी इस साड़ी को, बहुत मुझे बहुत पसंद आया। इसका ब्लाउज पीस देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। जो हमारा स्टोन नहीं, मिरर जैसा, मिरर तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे उस टाइप का है, तो मुझे बहुत ही पसंद आया इस ब्लाउज की। जो साड़ी को, साड़ी की डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। तो साड़ी की लुक्स देखिए, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो आप लोग को कैसे लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिए साड़ी की लुक्स, तो ये क्या हुआ ना, मैं बहुत दिनों से मिरर को भी साफ नहीं करी थी, तो मिरर को भी मैं साफ़ कर रही थी। ऐसे बीच बीच में साफ़ करना भी होता है, और भी है साफ़ करना, मैं देखती हूँ किस दिन साफ़ करूँगी। ऐसे थोड़ा बहुत तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो क्या बोलूँ, ये जो हमारा कबड़ है, कबड़ का भी साफ़ करना, तो बीच बीच में सब कुछ साफ़ करना भी होता है भाई सबको। और ये उसके बाद दोपहर को मैं ये ना जो हमारा साग में बोई थी लाल साग, लाल साग तो उसको उखाड़ दी हूँ, तो खा लिए हैं। तो मिट्टी के साथ, मिट्टी नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हरा भरा आप खाना का मन करते हो तो उसके साथ लगना पड़ेगा। तो बागान में कुछ देर तक तो बागान में लगोगे तो होगा, और हमेशा तो कोई नहीं कर देंगे, इसलिए मुझे अपने आप को ही करना पड़ता है। कैसे मैं खुदाई कर रही हूँ देख लीजिए। और अभी ना मिट्टी पानी हुआ था तो बहुत ही अच्छा आराम से खुदाई कर लेती हूँ देख लीजिए। और ये तो हस्बैंड के चप्पल कैसे पहनी हूँ, हस्बैंड का मतलब चप्पल पहनकर ही मैं काम कर लेती हूँ ऐसे, और मुझे अच्छा लगता है। और ऊपर से बहुत नरम था, ये एक जो लकड़ी था अंदर में घुस गया था, उसको हम उखाड़ दिए, नहीं तो पैर में चुभ रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। और मिट्टी को अच्छी तरह से मैं जो पाउडर कर रही थी, और नहीं करोगे ना अच्छा नहीं होता। और अभी थोड़ा गीला मतलब नमी नमी है ना, मिट्टी में नमी है तो अच्छी तरह से हो रहा है और अच्छा लग रहा है। और कितना तेज़ धूप है देख लीजिए, बहुत तेज़ धूप है। ऐसे धूप में काम करना तो मतलब काली पड़ जाऊँगी, फिर भी कर रही हूँ सोचे ही में। ऐसा होता है हमेशा, क्या करूं, कभी खुशी कभी गम, क्या क्या करना पड़ता है, क्या 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 करेगा, अपने घर के काम करना पड़ता है। अपने घर के काम में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खराब ही नहीं लगता है हमको। तो कितनी गर्मी हो रहा था तो सर पे पल्लू दे दी थी मैं, तो ऐसे मेरा होता है। तो वो भी हेल्प कर रही है। चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।